नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और संकट की बात यह है कि अब सागर में बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को 188 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिनमें कलेक्टर दीपक सिंह के पिता और पुत्र भी शामिल है। जी हाँ, इसके बाद कलेक्टर अब जो है उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, घर पर ही वो क्वारंटाइन है और 5 दिनों तक वर्क फ्रॉम होम वो घर से ही करेंगे। इसके अलावा हम आपको एक जानकारी और भी दे दें कि 7005 अब तक कोरोना के कुल मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मौतों की बात करें तो एक बड़ी संख्या यानी कि 159 लोगों की मौत कोरोना से अब तक हो चुकी है। ये अधिकृत जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो कि कोरोना से मौत हुई है जिन लोगों की अभी तक। आज 12 अप्रैल 2021 को बीएमसी वायरोलॉजी लैब और अन्य लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 188 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 13 व्यक्ति जिनके इलाज चल रहा था स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वहीं सागर के एक व्यक्ति जो वृद्ध थे उनकी मृत्यु की सूचना भी है। और इसके अलावा अभी सागर में जो है एक्टिव केसेस की संख्या 1177 हो गई है। तो आज का यही अपडेट है, सावधानी बनाए रखें, सुरक्षित रहें।